यहाँ पे आप ये ढकवा से सुल्तानपुर तक इनकी जीपीएल बनाई गई रोड पे ना सर्विस रोड कंप्लीट है, ना लंबुआ बाईपास का फ्लाईओवर रेलवे वाला कंप्लीट है, कुछ भी नहीं कंप्लीट है। अनावश्यक रूप से यहाँ पे टोल चालू कर दिया गया है, ट्रक वाले किसी भी सर्विस रोड से उतर नहीं सकते हैं और उनको पुरानी रोडों से जाना पड़ रहा है, इनका हाईवे कंप्लीट नहीं है और ये टोल वसूली चालू कर दिए हैं 2 दिन से। हनुमानगंज का रेलवे पुल अभी बना ही नहीं, कोई उसमें कुछ कार्य नहीं शुरू हुआ है, गायत्री प्रोजेक्ट वालों ने काम ही नहीं किया और बता रहे हैं नचाई ने आदेश दे दिया टोल वसूली, और टोल वसूली ये कल से चालू कर दिए, जबकि अवैध ढंग से सारा कार्य हो रहा है। और अभी नितिन गडकरी जी 12 मार्च 2023 को एक संस्तुति दिए थे, एक टोल से दूसरे टोल की दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए, जबकि यहाँ से असरोगा टोल 41 किलोमीटर पे है, ये भी पूरा अवैध है। एक टोल जौनपुर में है वो भी 60 किलोमीटर से कम है, इस तरह अवैध वसूली हो रही है और ट्रक वालों के और छोटी गाड़ियों के यहाँ के लोकल लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, सबका शोषण हो रहा है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, ये कह रहे हैं मुझसे डीएम का ऑर्डर मिला है, सरकार का ऑर्डर मिला है, मैं इसलिए वसूली कर रहा हूँ, ये मार पीट करने पे आमादा है तो पब्लिक कहाँ से मारपीट करेगी। अनावश्यक रूप से ये ले दे के घूस पाती अपना ये टोल चला रहे हैं, जबकि रोड आप जहाँ से जीपीएल ने काम कराया है सारा रद्दी काम कराया है, और ढकवा से अभी इनका क्या कहते हैं सुल्तानपुर जहाँ अमाट से जहाँ से इनका काम है जीपीएल वालों का, एक भी काम कम्प्लीट नहीं, कोई समस्या नहीं है। टेंडर हो गया, टोल चालू हो गया, बढ़िया चल रहा है सर। जितना कंप्लीट रोड है उसका ही चार्ज अभी लिया जा रहा है, जो नहीं बना है उसका भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, जितना रोड कंप्लीट है उसका चार्ज लिया जा रहा है। अगर इनको और जानकारी चाहिए तो ये जानकारी ले सकते हैं, ये फ्री करने का वो करने का उल्टा सीधा बोलने का क्या मतलब। अगर हमें टेंडर मिला है एनएचआई से, टेंडर हुआ है हमारा, हम लोग जब ही चला रहे हैं, अब वो एनएचआई डिसाइड करेगा, अभी जो अमाउंट लग रहा है वो फेयर आपके रेट लिस्ट आपको मैं आपको जो है दे दूंगा। लोकल के लिए नॉन कमर्शियल व्हीकल को 330 रुपये का मंथली पास है, वो अनलिमिटेड ट्रिप रहती है एक महीने के लिए उसमें, और जो सुविधाएं एनएचआई देती है वो हम पूरी प्रोवाइड करा रहे हैं। रेट लिस्ट कहीं चस्पा की है? हाँ चस्पा, पूरी लाइन में रेट लिस्ट चस्पा की है और बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। फोटो ले लीजिए अगर कंप्लीट है तो। रेट लिस्ट के बोर्ड भी लगे हुए हैं, जिसको छूट है वो उसके भी बोर्ड लगे हुए हैं, 500 मीटर पहले पूरा सूचना एकदम प्रॉपर। अब सर्विस लाइन का ये मामला है, जितना रोड कम्प्लीट है हमें तो उतना वर्क ऑर्डर मिला है चालू करने का, तो अब ये मांग ए डी एम साहब से रख सकते हैं, आगे भी रख सकते हैं। अब इसकी पूर्ण जानकारी एनएचआई दे पाएगी, क्योंकि एनएचआई ने अगर टेंडर इशू किया तो लीगली किया है, अनलीगल तो हो नहीं सकता, लीगली किया है, हम लोग चला रहे हैं, टेंडर मिला है।